कोरोना संक्रमण को देखते हुए अपनी दो बेटियों की 30 अप्रैल 2021 को प्रस्तावित विवाह समारोह में कम से कम केवल घर परिवार के लोगों के साथ में विवाह करने का संकल्प लेकर इससे होने वाली बचत के 2 लाख रुपए की राशि का चेक कोरोना से बचाव के लिए कलेक्टर मयंक अग्रवाल को भेंट कर ग्वाल देविया नीमच के चंपा लाल गुर्जर ने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पीड़ित मानवता की सेवा में योगदान दिया है। चंपालाल गुर्जर की बेटी अनीता और मनीषा का आगामी 30 अप्रैल 2021 को विवाह प्रस्तावित है। कोरोना संक्रमण के चलते विवाह समारोह वृहद स्तर पर आयोजित न कर केवल घर परिवार के लोगों को ही विवाह में शामिल करने का निर्णय लेकर विवाह समारोह पर खर्च होने वाली राशि बचाकर कलेक्टर नीमच मयंक अग्रवाल को 2 लाख रुपए का चेक भेंट किया है। इस मौके पर जिला पंचायत CEO आशीष संगवान और पंडित भीमा शंकर जी शास्त्री, विधायक नीमच दिलीप सिंह परिहार, महेंद्र भटनागर, चंपालाल गुर्जर, श्याम गुर्जर, सुश्री अनिता एवं सुश्री मनीषा भी उपस्थित थी। एक बार तो सोचा कि हम शादी ऐसे करें कि सब याद रखे कि ऐसी शादी हो, ऐसी इस क्षेत्र में जैसी कोई शादी नहीं हुई हो जो धूमधाम से हो, लेकिन उस परिस्थिति को देखते हुए वो शादी तो हम नहीं कर सकते। तो अक्सर देखा जाता है कि लोग दहेज में गाड़ी कार वगैरह देते हैं सब, तो हमने सोचा कि क्यों ना दहेज न देकर हम ऐसे जनमानस में पैसा खर्च करें जो वास्तव में उसका यूज़ हो सके। और आज के युग में, आज के ज़माने में तो ऑक्सीजन की जो कमी को देखते हुए यही हमने सोचा कि हम ऑक्सीजन मशीन ही दे दे, गाड़ी का क्या करेंगे। कितनी बड़ी पहल का और लोगों को भी आना चाहिए इसी पहल के लिए, लगातार शादी में बड़ा खर्च होगा। हाँ, और जो लोग शादी में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह करते हैं, तो उनको भी इस चीज़ में आगे आना चाहिए, क्योंकि वो सब तो एक दिन में सब चला जाता है, लेकिन जो मशीनें पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी बचा सकती है। और कोई मतलब हमसे जो भी भेंट हो हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो थोड़ा ही करें। क्या नाम आपका? अनीता। से हर एक पिता की इच्छा होती है कि अपनी बेटियों का विवाह बहुत धूमधाम से करे, और यही सोच लेके मैं बहुत काफ़ी समय से इसकी शादियों की तैयारी कर रहा था, परंतु इस वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मन बहुत दुखी और परेशान था कि देश में के समाज क्षेत्र के बहुत ही हालात ख़राब है। और जब मैंने इस विषय में अपनी बड़ी बेटी से चर्चा की कि अपने को शादी कैंसिल करके ये पैसा आपके दहेज में दे देना चाहिए, तो उसने मना कर दिया कि पापा ये पैसा कहीं पर भी जनहित में लगाना चाहिए, हॉस्पिटल में लगाना चाहिए, अगर सामने वाला परिवार अच्छा है तो वहाँ पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने गुरुदेव से चर्चा की तो गुरुदेव ने एक ही बात बताई, बेटा अभी इस महामारी में ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी है, तो आपको इस विषय में ऑक्सीजन व्यवस्था के लिए कुछ सोचना चाहिए। यही सोच के और परिवार के सभी से चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया कि मैं एक मशीन 10 लीटर की जिरन हॉस्पिटल के लिए और एक मशीन बड़ी नीमच हॉस्पिटल के लिए बच्चों की शादी के उपलक्ष में प्रदान करूं, जिससे कुछ लोगों की सहायता हो सके। फिर कितने रुपए दिए हैं आपने?
2 लाख रुपए का चेक एक आंशिक रूप से छोटी सी बेट मैंने जनहितार्थ समर्पित की है। क्या लगता है उन लोगों को आगे आना चाहिए वैसे शादियों में भारी खर्चा छोड़ते हुए? जनमानस में अभिप्राय हमेशा यह देखा जाता है कि वो शादियों में बहुत ही फिजूल खर्च करते हैं और उसमें हो सकता है मैं भी एक था इसी सोच के साथ, पर वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अगर अपनी शादी में जो खर्च हो रहा है उसका एक अंश दान स्वरूप भी गुरुजी की प्रेरणा से अगर कहीं दान स्वरूप देते हैं तो कहीं ना कहीं मानवता की भलाई के लिए काम आएगा। जी बहुत अच्छी पहल है। वर्तमान में जो यह एक गंभीर हालात हैं क्षेत्र के और पूरे देश और पूरे विश्व के, इस परिस्थिति में अगर इस तरह से जो फिजूल खर्ची विवाह आदि कार्यों में होती है वो राशि अगर इस तरह से पीड़ित मानवता के लिए लगा दी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कोरोना की जंग को हम जीत जाएंगे। तो ये अच्छी पहल है और लोगों को भी इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए और जो बन पड़े वो सहयोग करना चाहिए। जी धन्यवाद। भीमा शंकर शर्मा, धैर्य खड़ी। जी नहीं, ये तो बहुत ही सराहनीय पहल है और मैं इसके माध्यम से इन बच्चियों के माध्यम से और बाकी सब लोग को भी यही कहना चाहूँगा, इस समय मतलब पूरा देश ही इस महामारी से लड़ रहा है और कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी दिक्कत बेड्स की है, ऑक्सीजन की है, कुछ दवाइयों की है, तो जिस तरीके से भी हम मदद कर सकते हैं उस चीज़ में हमें आगे आना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी सराहनीय पहल है बच्चियों की और बच्चियों ने कहा भी, जो बच्ची आई थी मतलब इसमें आप हम चाहेंगे कि बच्चों को ऑक्सीजन की इसमें हो तो हम लोग भी उसमें ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स जो लिए जा सकते हैं वो तुरंत ले लेंगे। शादियों में कई जगह लाखों रुपए खर्च कर दिए जाए लेकिन अब जो है शादियों में इस तरह के पैसे बच रहे हैं, बच्चों की सोच रही है कि ये पैसे को नहीं आ दिया जाए, तो इस तरीके से और भी लोगों को आ गया है? नहीं बिल्कुल आना चाहिए, आप जैसा समझ रहे हैं कि क्योंकि ये तो शादियों का सीज़न था और क्योंकि जो कोविड गाइडलाइंस आई हैं उससे जो व्यापक बड़े पैमाने पे जिस तरीके शादियां होती हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही और छोटी मोटी भी जो शादियां हो रही हैं तो कई लोगों के पास सक्षम है पैसा, जिनके पास है अवेलेबल, जिनका बस्ता है, अगर वो चाहें और इस तरीके से ज़रूर सोच सकते हैं और भी अपनी अलग अलग पहल करके लोगों को इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के लिए मनासा से शब्बीर बोहरा की रिपोर्ट।